हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दिस इज द सेकेंड सब टाइप ऑफ द फ्यूचर टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस, यू आर अपियर अबाउट द वर्ड कंटिन्यूस। वट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस? ओके, तो कंटिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव, दैट इज गोइंग ऑन, जो हो रहा है। लेकिन फ्यूचर जब उसके साथ लग रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस मीन्स दैट विल गोइंग ऑन, जो होगा आगे। और इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जिस सेंटेंसेस के एंड में जब आप बोलते हैं, ऐसे करते हो ना कि मैं ये काम कर रहा होऊंगा, कर रहे होंगे, कर रही होंगी, तो ये जो इस तरह से साउंड जो एंड में आएगी सेंटेंसेस के, वो जो सेंटेंसेस है दैट विल कम अंडर द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इनके अंदर वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जो आपके अभी शुरू होंगे, अभी शुरू होने हैं फ्यूचर में, और एक एक्सपेक्टेड टाइम तक वो चलेंगे और फिर ख़त्म होंगे। अभी वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, दैट विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विल एंड एट द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये आपका इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आएगा, मीन्स फ्यूचर प्रोग्रेसिव, जो हो रहा होगा। अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल इज सब्जेक्ट इज द रूल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, देन विल और शैल। आपको मैंने कल भी बताया था, विल और शैल वो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, इसलिए फ्यूचर में इसका यहां पे आएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में इज़ वर्ब था, वाज वर्ब, पास्ट में वाज वर्ब था, एंड फ्यूचर में विल शैल आएगा प्रेजेंट कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यूस में। और बी इसके साथ लगेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक ऐड है बी। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप पहले से जानते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी थी और पास्ट में भी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। अब इसकी एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। अब आप विल और शैल को देख लीजिए। विल और शैल जो है, वैसे तो आजकल हम मैक्सिमम टाइम विल ही यूज़ करते हैं, शैल को यूज़ नहीं करते, तो मैं विल का ही यूज़ करूँगी। ओके, जैसे He will be cooking in the evening. वह खाना बना रहा होगा शाम को। शाम को वो क्या कर रहा होगा? हो सकता है हम कई बार बोलें कि हाँ हम उसके घर चलेंगे तो दूसरा कोई बोल रहा है, नहीं वो खाना बना रहा होगा शाम के टाइम, तो वो नहीं जा पाएगा। तो दैट इज द, ये इस तरह से सेंटेंस आपके आएंगे। जैसे द बेबी बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। बेबी जो है वो सो रहा होगा आफ्टरनून में दोपहर को। तो दिस इज ऑल्सो योर सेकेंड वन, ये आपका सेकेंड वन हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा है? सेकेंड जो आपका, फर्स्ट इज आपका फ्यूचर आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूस, और ये भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है, बट ये आपका किस में है? ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है कि बेबी जो है वो सो रहा होगा आफ्टरनून में। अब इसी का आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। विल द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, क्या जो बेबी है वो आफ्टरनून में सो रहा होगा? ठीक है, तो दिस इज द, इसका इंटरोगेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव, द बेबी will not be sleeping sleeping in the afternoon, baby जो है वो सो नहीं रहा होगा afternoon में। This is the negative one, and interrogative negative, will the baby
नॉट बी स्लीपिंग, क्या बेबी जो है वो नहीं सो रहा होगा। तो दिस वन इज द, ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल आ गया, ये आपका इंटेरोगेटिव आ गया, दिस वन इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड दिस वन इज, नहीं ये आपका नेगेटिव हो गया, दिस वन इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। तो दिस इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका इसका क्या है रूल है। तो इसमें इस तरह से सेंटेंसेस आगे, जो काम हो रहा होगा, कर रहे होंगे, हो रहे होंगे, तो दिस इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.